अमरूद का जूस जैसा लग रहा है। हेलो फ्रेंड, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 9 बज रहे हैं। आप सभी का स्वागत है दीपिका कठारिया व्लॉग्स में। और आज मैंने छुट्टी किया है, आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मेरे यहाँ सीने में दर्द है, दिखाती हूँ क्या निकलता है। सुबह सुबह उठती हूँ ना तो उल्टी आती है, उल्टी होती है, पानी पानी उल्टी होती है, पता नहीं क्या हो गया। और बीपी बढ़ रहा है, नीचे का भी 100 है, ऊपर वाली भी 100 है, दोनों मतलब ताही तो चक्कर आती है मेरे को। सर में दर्द नहीं होता है, चक्कर आता है। तो मैं सोचती क्यों मुझे चक्कर आ रहा है, पता नहीं क्यों चक्कर आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, अभी के लिए मैं नहाने जा रही हूँ, ठीक है, फिर आगे दिखाती हूँ डॉक्टर के पास। बने रहिए मेरे ऐसे ब्लॉग पे, ठीक है। तो फ्रेंड बताओ, ये देखो ये फ्रॉक है, इसके साथ ये धोती वाला सलवार है, धोती वाला, इसको पहनूं या इसके साथ जींस पहनूं, बताओ। ये सारे दिए हुए हैं, आपको पता ही है ना, जो पंजाब में काम करने आता है ना उनको पता होगा कि पंजाब में कितने कपड़े देते हैं, मतलब कोठी वाले देते हैं पंजाबी लोग। तो ये मुझे मिला है, पंजाब वाले ने दिए हैं, मतलब इधर कोठी वाले दिए हैं। ये भी पाया है, ये भी दिया हुआ है। तो फ्रेंड बताओ, इसके साथ जींस पहनूं या ये धोती सलवार। पर ये तो बहुत बड़ा है, यहाँ गले में पहनूंगी ना तब ठीक आएगा। और इसके साथ का जींस दिखाती हूँ, पैंट पहनूं। वो धोती तो बहुत बड़ा है भाई, आप तो जानते हो पंजाबी लड़कियाँ कितनी लंबी लंबी होती हैं और हम इतनी छोटी छोटी, हाइट है हमारी। तो मुझे लगता है ये और ये पैंट पहन लूँ, फ्रॉक और पैंट, ठीक है। नहीं, ये दुपट्टा ठीक है, उल्टा ये दुपट्टा ठीक है, इसके साथ बहुत लंबा है यार, मेरी हाइट ना छोटी सी है तो ये नीचे नीचे को जाता है, इसमें मैचिंग तो नहीं हो रहा है। ये ज़्यादा रेड है या मेहरून है, क्या करूँ फ्रेंड, कहाँ सिलाऊँ चुन्नी या दुपट्टा खरीद के, इसी को मैचिंग कराती हूँ। ओके फ्रेंड, मैं कैसे लग रही हूँ, वही फ्रॉक है और पैंट, जींस पहनना है जींस, और ये फ्रॉक, कैसे लग रही हूँ बताओ फ्रेंड। हो गई मैं रेडी, अकेली नहीं जा रही हूँ, जिनके घर काम करती हूँ ना वो भाभी जा रही हैं, उनके साथ जा रही हूँ। उनका बेबी होने वाला है, 9 मंथ लग गया है, 9 माह बस ये मंथ में हो जाएगा शायद, कितने आज कितने तारीख हो गए, 10 शायद ये महीने लास्ट को हो जाएगा बेबी, छोटा सा बेबी आएगा उनके घर में। तो मैं भी जा रही हूँ उधर अपना ये छाती दिखाने। तो फ्रेंड बने रहिए मेरे ब्लॉग्स में ऐसे ही। फ्रेंड मैं जाने लगी हूँ रेडी होके, और ये देखो ये वीरा जा रहे हैं मेरे साथ। हेलो बोलो मेरे, ब्लॉग बनाती हूँ ना, ब्लॉग ब्लॉग, हाँ जी। ये देखो ये आंटी है, इन्हीं आंटी की बहू जा रही है, मतलब भाभी बताया था ना, वो बेबी छोटा बेबी होने वाला है। ये देखो भाभी आ रही है, ये देखो भाभी, मोटी तो कोई बात नहीं यार भाभी, हाँ और मोटी तो होना ही है ना, हाँ बाद में पतली हो जाएंगे। तो फ्रेंड हम जा रहे हैं, ठीक है, बने रहिए ऐसे ही मेरे ब्लॉग्स में, दिखाती हूँ मैं डॉक्टर के पास क्या क्या होता है क्या क्या नहीं। ओके, एक्टिवा में बैठे हैं हम तीन जने, देखो वीडियो चला रहे हैं, वहाँ पे बैठी मैं पीछे बैठी हूँ, जा रहे हैं एक्टिवा में बैठ के। फ्रेंड अभी हम यूनिवर्सिटी पहुँचे हैं, भैया गए हैं वो क्या हवा भराने ना भाभी, हवा भराने गए हैं। ये लड़कियाँ आ रही हैं कॉलेज में पढ़ती हैं, हाँ जी भाभी, हाँ आदत पड़ा है, मज़ा आ रहा है, आज बैठ के हैं वीडियो बना बना के पतली सी हूँ, देख
पौने ग्यारह बजे से पौने एक हो गया। ये देखो आ गए हॉस्पिटल। अब मिलते हैं डॉक्टर साहब से, क्या बोलती हैं डॉक्टर साहब। अभी भी उल्टी आ रही है, पता नहीं क्यों उल्टी आती है मुझे। पर्ची कटा रहे हैं, पर्ची कटाने का 200 रुपये लेते हैं पर्ची का। पर्ची कटा, पर्ची काटती हैं। कंटिन्यू बने रहे ट्रेन, ठीक है। ट्रेन मैंने पर्ची कटा लिया है, देखो डॉक्टर के पास जाएंगे। अभी लाइन लगे हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या करने के लिए बोलते हैं। मैंने बताया था ना कि आपको जब मैं हॉस्पिटल आई हूँ, हाँ मैंने चेक कराया, बीपी ही बदा है मेरा, इसलिए उल्टी आ रही है, बीपी बदा हुआ है मेरा। अब मैम बोल रही हैं कि खून टेस्ट करा लो, आपको खून टेस्ट करने वाले लोगों की मतलब अगले हफ्ते मैं खून टेस्ट कराऊंगी। अगले हफ्ते बोले हैं 15 दिन के बाद आना और खून टेस्ट कराना, मतलब कि तुम्हारा बीपी क्यों बढ़ता है। फिर आऊँगी हफ्ते बाद आऊँगी। अब दवाई ले रही हैं भाभी, अपने लिए ले रही हैं और मेरे लिए भी ले रही हैं दवाई। देखो कितने का मिलता है दवाई, मैं तो 1000 रुपये ले कर आई हूँ सिर्फ, पता नहीं पहुँचेगा कि नहीं 1000 में। भाभी दवाई लेके मुझे पकड़ा देना, ठीक है। भाभी दवाई लेके मुझे पकड़ा देना, ठीक है। दवाई ले लिया, ऐसे ही बने रहे, कंटिन्यू बने रहे, ठीक है। दवाई ले लिया, यहाँ हॉस्पिटल में जोर जोर से नहीं बोल सकते, धीरे धीरे बोल। चल दिए हैं हम घर, घर के लिए। हाँ फ्रेंड, आपको तो बताया नहीं मैं कहाँ, मतलब कौन से हॉस्पिटल आई हूँ, कहाँ के हॉस्पिटल। ये राजपुरा हॉस्पिटल है, राजपुरा लाइफ केयर नाम है हॉस्पिटल का। लाइफ केयर है ना भाभी। हाँ इसमें लिखा है ना, जो नहीं बच्चों को जो कराते नहीं कि लड़का है लड़की, अच्छा अच्छा, अबॉर्शन कराते ना, सफाई सफाई कराते, तो मतलब जो सफाई कराएगा तो 5 साल का सजा है ये। हाँ 10 साल, हाँ एक हजार, कितना मुझे नहीं आता, 10,000 लाख रुपए जुर्माना। तो फ्रेंड हम जाने लगे हैं अपने घर के लिए। ओके भाभी बोल रहे हैं चाय पी लेते हैं, थोड़ा थोड़ा चुस्की ले लेते हैं। मुझे तो मीठा खाना मना कर दिया डॉक्टर ने, तो मुझे बोल रहे हैं फीकी चाय पी लो। ये सारे कुरकुरे कुरकुरे खाने का मन करते हैं, क्या करूँ सब मना हो गया। ये देखो आंटी चाय बना रही है, मैं तो फीकी चाय पीनी है, हाँ विदाउट शुगर। और दिन में कितने कमा लेते हो आंटी बिचार, फिलहाल 500 कमा लेती हैं बेचारी फिलहाल, और ज़्यादा कमा लेते तो और अच्छा था, है ना। हाँ चलो रब से दुआ करेंगे तरक्की करो, अभी 500 है, 1000 कमाओ दिन में, ठीक। हाँ जी हाँ, हम चाय पी रहा है फीका फीका चाय, और यहाँ मेरा दोस्त भी बैठा है। ओए इधर देख, आपको भेज रही है वीडियो, भेजूंगी। हाँ पकौड़े खाने का मन तो कर रहा है, पर क्या करूँ, डॉक्टर ने मना किया है पकौड़े खाने के लिए, नहीं खा सकती ना मैं पकौड़े। भाभी खा सकते हैं, भाभी खाते हैं, मैं नहीं खा सकती पकौड़े। और मेरा पकौड़े खा रहे हैं, मुझे भी खाने का मन कर रहा है, क्या करूँ, डॉक्टर मना किए हुए हैं, मैं क्या करूँ, नहीं खा सकती। बोलो दिल कर रहा है नहीं भाभी, उल्टी हो रही है सच्ची भाभी, कल से हो रही है उल्टी, उल्टी को तेरी हटाऊंगी। तो फ्रेंड अब जा रहे हैं मौसम्बी का जूस पीने, और मैं नहीं, मुझे पैसे नहीं देने दे रहे हैं, ये पीरा देंगे पैसे, मुझे बोल रहे तू रहने दे, मैं देंगे पैसे, मौसम्बी का जूस पी लेते हैं, ठीक है फ्रेंड पियो भाभी। स्वाद है, ऐसा लग रहा है अमरूद का है ना। अमरूद का जूस जैसा लग रहा है। ए आंसू रह गए और नहीं आए, क्यों छुट्टी नहीं कर सकते, जूस पीने के लिए छुट्टी नहीं कर सकते, मजा आया, हम तो जूस पी रहे पकोड़े भी खाए। आंसू ये देखो आपके लिए यहाँ स्विमिंग पूल बना है, नहाने आ जाओ स्विमिंग पूल में ना।
चुप लगा दो, गर्मी लग रही होनी होनी करते आपको। ओए आंसू, काम करते करते गर्मी लग रही है, आ जाओ इधर स्विमिंग पूल में नहा लो, ठीक है? चल पड़े घर के लिए। वो आ गई लंडर देने, डेढ़ बज गया अपने। तो फ्रेंड हम दवाई लेके आ गए हैं राजपुरा से, खाते पीते आए, घूमते घूमते इधर बैठ, कभी पकोड़े खा, कभी जूस पी, कभी कुछ कर। मैं तो खाती नहीं पकोड़े, मतलब तला हुआ चीज़ नहीं, मना कर दिया डॉक्टर ने ना, तो खाई नहीं। फिर भी बोल देते हूँ कि मैंने भी खाया पकोड़े, हाँ मैंने जूस पिया, पकोड़ा नहीं खाया, और चाय भी पिया था, मतलब विदाउट शुगर वाला। तो बहुत थक गई फ्रेंड, आंसू लंच करने आए थे शायद, तो सारे बर्तन ऐसे मतलब रख के गए हैं, अब धोना पड़ेगा, अभी धोऊंगी धोऊंगी और खाना बनाऊंगी उनके लिए। मैं तो, मेरा तो पेट फुल है जूस पी के। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, अगले ब्लॉग पर। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़ फ्रेंड। मेरी वीडियो अच्छा नहीं लगता क्या? हाँ ओके, बाय बाय।